पूर्णिया विकास के क्षेत्र में नई इबारत लिखने वाला है। के नगर प्रखंड के परोरा में शनिवार दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड EIBPL के ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ करेंगे। सूबे में कई और एथेनॉल प्लांट पर काम हो रहा है। इस तरह बिहार देश का एथेनॉल हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। खुशी की बात यह है कि एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद बिहार के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के परोरा में होगा। इस प्लांट के शुरू होने से सीमांचल के विकास का द्वार भी खुलेगा। 105 करोड़ के प्रोजेक्ट वाला यह प्लांट किसानों के लिए वरदान साबित होगा। पूर्णिया समेत सीमांचल में चारों जिले में मक्का और धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। प्लांट में रोजाना 165 टन मक्का और 120 टन राइस हस्क की खपत होगी। इससे प्रतिदिन 65,000 किलोलीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। अच्छी बात यह है कि इस प्लांट में प्रतिदिन 2.5 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होगा, जिससे ही यह प्लांट चलेगा। प्लांट खुलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 250 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। सूबे में पहले चरण में 17 इथेनॉल इकाई लगेंगी। कोसी और सीमांचल का क्षेत्र बिहार में मक्का उत्पादन का गढ़ माना जाता है और मक्का या चावल आधारित इथेनॉल प्लांट के लगने से क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ होगा। इथेनॉल प्लांट में बड़ी मात्रा में मक्का या चावल और चावल की भूसी की खपत होगी। इससे यहां के किसानों को मक्का के अच्छे दाम मिलेंगे। पिछले 2 वर्षों में किसानों को मक्का का अच्छा भाव नहीं मिल रहा था, हालांकि इस साल दाम बेहतर है। प्लांट लगने से किसान खुश हैं कि उन्हें अब बाहर के कारोबारियों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत बिहार में पहले चरण में 17 इथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित हो रही हैं। इनमें 4 इथेनॉल इकाई बनकर तैयार हैं। 30 अप्रैल को पहले ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। खुशी की बात तो यह है कि इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद बिहार के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का यह शुभारंभ पूर्णिया में किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यही है कि सीमांचल के क्षेत्र में मक्के की खेती बहुत होती है, तो मक्के से यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन की बात होगी और इस प्लांट के लिए सरकार को बिजली की दिशा में अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2.5 मेगावाट की बिजली यह प्लांट खुद उत्पादित कर लेगा और इससे यह मिल चलेगा, इथेनॉल प्लांट चलेगा। तो इससे लोगों को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा और सरकार को भी कहीं ना कहीं बिजली के मामले में थोड़ी बचत होगी, जो कि बिजली किसानों को आम लोगों को पहुंचाने में भी सुविधा होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। जब से सैयद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने हैं, उन्होंने इस मामले में जोर लगा रखी है और काम तेजी से होता दिखाई पड़ रहा है।